हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस कैसे हैं आप लोग होपफुली अच्छे होंगे तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं क्या फाइव क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी तो आपको क्या करना है वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है फिर इसका आंसर मैच करिए एंड देन जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ठीक है इस तरह से क्या होगा आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है इस सेशन से ले सकते हैं तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाइज टेरिटरी ऑफ इंडिया टू थ्री कैटेगरी ठीक है टेकिंग दिस इंटू कंसिडरेशन वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई वन ऑफ द क्लासिफिकेशन कैटेगरी यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है आपको बताना है आर्टिकल वन के बारे में जिक्र है आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बताना है कि आपको यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो क्या सिग्निफाई करता है ठीक है फर्स्ट है आपका जो स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स स्लैश यूटीज और एनी अदर टेरिटरी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइड बी होल्डिंग एट दैट पॉइंट ठीक है दूसरा क्या है इट इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया यूटीज बेसिकली यूनियन टेरिटरीज इट ओनली इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ इंडिया और फोर इट इज नॉट अ टेरिटोरियल एक्सप्रेशन एट ऑल ठीक है तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है आपको पता है कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं जो डेफिनेटली कभी भी आंसर नहीं होते हैं तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है थ्री इट ओनली इंक्लूड स्टेट्स ऑफ इंडिया देखिए यूनियन ऑफ इंडिया जो स्पेसिफाई है आपको पता है जो फर्स्ट जो जो सेंटेंस है आर्टिकल वन में कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है यूनियन ऑफ स्टेट्स का बात होता है वहां पे तो यूनियन जो वर्ड है और जो कंटेक्सट में यूज़ होता है यूनियन ऑफ इंडिया वो क्या स्पेसिफाई करता है ओनली इंक्लूड्स द इंडियन स्टेट्स ठीक है जितने भी स्टेट्स हैं उनको अगर आप इंक्लूड कर दें तो वो यूनियन का जो है वो बन जाते हैं ठीक है थीके? और यूनियन जो है हमारे यहाँ क्या है आपको पता है दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन यहाँ पे फेडरेशन नहीं है बेसिकली हमारे जो जैसे अगर आप यू एस यू एस डेमोक्रेसी की बात करें या यू एस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या यहाँ पर वहाँ पर जो स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करें तो वहाँ पर क्या है कि जो स्टेट्स हैं देवर सेपरेट यूनिट्स और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया कि जिसमें वो एक साथ रहेंगे तो उनके वहाँ पर क्या है कि देर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स इसी कारण वहां हम लोग बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्योंकि वहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से जो है वो एक साथ है लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ये यूनियन कभी भी टूट नहीं सकता है यहां पर स्टेट्स का इंडिविजुअल से हो सकता है लेकिन उनका इंडिविजुअल स्टैंडिंग नहीं हो सकता वो अलग हट के यूनियन के इंडिया के नहीं रह सकते है. इसी कारण यहां जो है दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ठीक है चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो यहां पर क्या देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल थ्री में अगर आप देखेंगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल जो टेरिटरी है दैट इज अ आप बोल सकते हैं इट इज अ मोर ब्रॉडर जो है वो एक तरह से उसको मतलब यूनियन से वो बड़ा एक स्टेटमेंट है और ये आप बोल सकते हैं एक डेफिनेशन है जिसमें क्या क्या आते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ स्टेट स्टेट का जितना आपका जो बाउंड्री है वो जो है इसमें इंक्लूडेड है यूनियन टेरिटरीज यूटीज जो है जो कि आपको पता है दैट इज सेंट्रली गवर्न

में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन ये जो आपको तीन जजमेंट दिए हुए तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो जजमेंट है फॉर पर्टेनिंग टू द प्रियाम्बल प्रियांबल से रिलेटेड है और उसमें जजमेंट क्या है जिसमें बताते हैं कि प्रियाम्बल ही जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सारे केसेस दिए हुए फर्स्ट केस है आपका बेरोबारी यूनियन केस सेकेंड है केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस केस है आपको पता है और थर्ड है एल आई सी ऑफ इंडिया केस तो आपको बताना है ये सब इसमें से कौन से केसेस हैं जो रिलेटेड है परटेनिंग टू प्रियांबल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका ऑल ऑफ दी तीनों केसेस जो है उसमें यही रिजल्ट आया था और ठीक है फर्दर एल ऑफ इंडिया वाले जो केस में था उसमें यह चीज सॉलिडिफाई हो गया था कि जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज क्वाइट अमेंडेबल क्योंकि वो अगर पार्ट ऑफ इंडियन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है तो आपको पता है आर्टिकल थ्री के अंदर जो है वो उसको अमेंड किया जा सकता है और एक बार जो है उसको अमेंड भी किया गया है आपको पता है क्या ऐड किया गया था सोशलिस्ट जो जो आपको पता है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से ऐड किया गया था तो यहां पर देखते हैं इन बेरोबारी केस

और उसमें सबसे चीज क्या है प्रोवाइडेड कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो वो अमेंडमेंट जो जो है 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 डिस्ट्रॉय नहीं करता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो, जो पार्लियामेंट में जो भी पावर होल्ड करते हैं वो जो है 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 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं ठीक उसके बाद क्या आपको पता केशवानंद भारती जो है वो पोजिशन वॉज अपहेल्ड जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में उसको एल ऑफ इंडिया केस में जो है वो अपहेल्ड किया गया था कि वो जो जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और यहां पर भी अप्लाई होता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे च वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन आपको बताना है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और अगर आपको जो है स्टेट पीसीएस में कभी कभी देखने को मिल सकता है इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि शेड्यूल पर बेस्ड होता है आपको for, आपको सारे शेड्यूल्स जो है वो पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है क्योंकि इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन फर्स्ट है आपका सेकंड शेड्यूल बी है फिफ्थ शेड्यूल सी है एट्थ शेड्यूल एंड डी इज टेंथ शेड्यूल ठीक है तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है टेंथ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल में जो है वो दिया हुआ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिजाइन टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन प्रॉमटेड बाय द लेर ऑफ ऑफिस और मटेरियल बेनिफिट्स और अदर लाइक एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास बाई पार्लियामेंट इन नाइन एटी फाइव एंड री इन टू ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था आपका टेंशलूज के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं डिफेक्शन होता क्या है थोड़े से हम लोग क्राइटेरियाज को जो है जान लेते हैं कि क्या होता है ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन ठीक है एक पर्सन जो है या एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कब डिफेक्शन करता है किस किस ग्राउंड पे उसको डिसक्वालिफाई किया जाएगा तो जैसे फर्स्ट है आपका इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरली अगर आप जिस पार्टी से इलेक्ट होके जो है पार्लियामेंट में गए हैं ठीक है थीके? और अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप जो है खुद ब खुद छोड़ देते हैं तो आपको जो है वो डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा इन दी हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाई दॉलिटिकल पार्टी जनरली देखिए क्या होता है आपको आपने विप के बारे में पढ़ा होगा कि विप जो है कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है वो विप इश्यू करती है विप का मतलब क्या होगा कि उसके जितने भी वहां पर एमएलए हैं इन केस ऑफ स्टेट असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन केस ऑफ पार्लियामेंट उनके जो मतलब उनका पार्टी जो डिसाइड करता है सेम चीज़ जो है वो वहाँ के जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पार्टी के उनको वही फॉलो करना पड़ेगा और ये जो है विप इंश्योर करता है एक विप इंश्योर होता है कि सारों को जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल आने वाला है उस पर उस पार्टी का ये मत होगा तो सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सेम मत ही फॉलो करना पड़ेगा ये विप इंश्योर करता है इसके अलावा अगर अभी कभी होता है कि वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कभी एब्सटेंट कर जाते हैं आप उस ऑर्डर के जो कि डायरेक्शन जो इश्यू गया है तो उस केस में जो है आप जो है डिफेक्टेड कहला सकते हैं लेकिन ये जो है काफी कंट्रोवर्शियल है ठीक है और इसमें आपको पता है ये जो है इसमें कौन डिसाइड करता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका जो है वो फाइनल से होता है कि ये जो डिफेक्शन के लायक है या नहीं है ठीक है उसके बाद क्या है इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड एनी पार्टी आपको पता है अगर आप किसी भी पार्टी से जो है, जो है मतलब वोटिंग नहीं जीत मतलब ऐसे आप जो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो आप इंडिविजुअली खड़े हुए थे इंडिपेंडेंटली खड़े हुए थे किसी भी पार्टी के साथ आप नहीं थे आपने इलेक्शन जीत लिया आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन लेकिन आपने पार्लियामेंट में आते ही या असेंबली में आते ही किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी आपको जो है वो डिफेक्टेड कहा जाएगा ठीक है इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर दी एंड ऑफ सिक्स मंथस ठीक है अगर कोई आपको पता है नॉमिनेटेड हैं अगर नॉमिनेटेड हैं अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें आफ्टर दी एंड ऑफ सिक्स मंथ तो उनको भी जो है वो डिफेक्शन के लिए लाइबल किया जाएगा ठीक है उसके बाद क्या था डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑन दी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द स्पीकर और द चेयरमन ऑफ द हाउस और हिज और हर डिसीजन इन फाइनल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ठीक है जनरली कौन से होते हैं आपको पता है जो स्पीकर होते हैं इन ऑफ एंड मतलब जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो वहां स्पीकर है अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पे चेयरमैन है ठीक है तो वो जो है उनका डिसीजन जो है ठीक है स्टेट एज इन दी केस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट ठीक है आपको बताना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशियंट सी है द एग्जीक्यूटिव रिमेंस रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और डी क्या है द हेड ऑफ द गवर्मेंट नॉट बी चेंजड विदाउट इलेक्शन ठीक है तो सही ऑप्शन बताना है जो सबसे ज्यादा इनकम पासिंग हो जो सबसे आपका ब्रॉडर परस्पेक्टिव जो है जो ऑप्शन बताता हो वो आपको चुनना है तो उसका सही ऑप्शन क्या है द एग्जीक्यूटिव रिमेंस रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्टर आपको पता है दाउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आपको पता है इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा ठीक है तो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा का मतलब क्या हुआ कि दे आर इन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल ऑफ इंडिया ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है और ये क्या होता है एग्जीक्यूटिव बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिसलेचर के लेजिस्लेचर जो है अगर आपको पता है आपको अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है पार्लियामेंट में आपके अगेंस्ट बोला जा सकता है तो एक तरह से जो है आप और भी बहुत सारा मीडिया आपको पता है जो, जो सेशंस होता है पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो एक तरह से सारे चीज को जो है आप कंट्रोल कर सकती है जिस्लर तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डिफरेंट है फ्रॉम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि कहा है आपका यूएसए में ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे यहां इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द ठीक है पार्लियामेंट और जो स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली ठीक है और द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ठीक है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड डिपेंड्स ऑन इट टू स्टेट टू इन पावर आपको पता है अगर आपका मेजोरिटी जो है वो लोकसभा में भंग हो जाए तो उस केस में जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है ठीक है और यही होता है दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज ठीक है अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा गया है तो आपको बताइए कैसे कर सकती है ये पार्लियामेंट कैसे कर सकती है फर्स्ट ऑप्शन है विद कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स कंसेंट जो है सारे स्टेट्स का लेना पड़ेगा विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स का लेना पड़ेगा विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न जिस स्टेट से रिलेटेड जो भी अगर हो रहा है इंटरनेशनल uh, ट्रीटी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो बस उस स्टेट का जो है कंसेंट लेने का जरूरत है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट अगर इंडियन करता है, की को जो है अगर, जो के किसी मैटर तो पर सकती है ठीक है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन इवन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट विदाउट सीकिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन दिस प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड ऑब्लीगेशन तो आज हमने देखा फाइव क्वेश्चन इसी तरह के फाइव क्वेश्चन जो है हम लोग घटनाचक्र के सीरीज में कवर करते रहेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू